तो गाइज अभी आ गया मैं ऊपर वाले धारे पे, क्योंकि वहाँ पे कपड़े धोने के लिए नहीं हो रहा है, तो पानी देख सकते हैं यहाँ पे भी। यहाँ पे आजकल पूजा भी आ रखी है, तो पूजा भी आ गई पानी के लिए, तो पूजा से पानी की समस्या पूछते थोड़ा सा। ए पूजा, कब से नहीं आ रहा ना स्प्राइट और माजा? ये ठंडा आजकल काफ़ी सेल हो जाता है। बाकी हमारा पुत्र भाई और ये है धीरवाक हुई। सो गाइज आज न्यू ब्लॉग की शुरुआत हो रही है नई मॉर्निंग से, तो काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ। आजकल ना कंटिन्यू वीडियो नहीं बन रही है, तो आज का कंटिन्यू थोड़ा ऐसे ही हो गया, बिजी शेड्यूल हो गया थोड़ा सा। तो बाकी तो चलो पहले ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मेरा नाम सौरभ चौहान और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से देवभूमि केदार घाटी की सुंदर वादियों से। आशा उम्मीद करता हूँ आप सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जहाँ भी होंगे अपने कामों में व्यस्त होंगे। सो गाइज आजकल ना पहाड़ों में बिजी शेड्यूल है, तो आज का वीडियो बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा है। आज का कंटिन्यू वीडियो नहीं आ रही है, तो कोशिश करूँगा आगे से कंटिन्यू वीडियो आएगी। तो बाकी आजकल ना पहाड़ों में बहुत सी समस्याएँ हो रही गाइज, तो वैसे बारिश भी काफ़ी टाइम से नहीं हुआ, तो इतनी गर्मी यही हो रही, तो बाहर तो क्या ही हाल होंगे। तो गाइज वैसे ही हमारे गांव में पहले पानी की बिल्कुल किल्लत नहीं थी, इतना पानी था कि भरपूर पानी था। अब वो पानी पता नहीं कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, कहाँ ये हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। पानी की भी काफ़ी दिक्कतें आ रही गांव में, वैसे बारिश भी नहीं हुई है काफ़ी टाइम से, तो पानी का जो स्रोत है वो भी बिल्कुल सूख गए है। तो ये है कि तो कुछ गलती हमारी भी है, हम लोगों की भी है कुछ, मतलब क्या ही बोले दोस्तों। और इसके चलते एक दो तीन साल में तो पानी इतना हो जाएगा कि पानी का बिल्कुल जितना आ रहा है उतना भी नहीं आएगा। तो गाइस क्या ही बोले दोस्तों, इतनी भयंकर दिक्कतें आ रही पानी की। अगर हमारा मगरा धारा नहीं रहता ना, कभी कभी तो एक भी पानी नहीं आता तो मगरा धारा नहीं रहता। तो वैसे हर किसी के गांव में रहता हो मगरा धारा, तो वहां पर नहीं रहता ना तो पानी बिल्कुल समस्या इतनी भयंकर बढ़ जाती थी, तो क्या ही बोले दोस्तों। बाकी अभी कर रहा हूँ अपने छत से ब्लॉगिंग, तो ये देख सकते हैं। बोलते हैं जितना बड़ा है गांव उतनी बड़ी समस्या, उतनी समस्याएं रहते हैं गांव की, तो गांव में समस्याएं तो काफ़ी रहती है। बाकी एक बात मैंने कल नोटिस किया है, तो एक मैं कल किसी के साथ मतलब नीचे रोड से थोड़ा अपने गांव तक आया गाड़ी में, गाड़ी में नहीं है पानी का टैंकर था, तो भाई साहब इतनी भयंकर भयंकर गालियाँ दे रहा था वो कि यहाँ की रोड के बारे में कि ये ऐसे वैसे। गांव में नेता तो काफ़ी घूमते हैं, देवर गांव में हर घर घर में नेता देखने को मिलेंगे, पर इस रोड के हाल ऐसे हो रखे कि बाप रे क्या ही बोले, तो पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। तो ऐसे ऐसे सुनने को मिलता है बाहर वालों से, देवर वालों की। पहले एक टाइम पर ऐसा गांव था हमारा कि बाहर वाले हमारे गाँव की वाहवाही करते थे, और अब देखो धीरे धीरे गांव का नाम इस तरह से हो रहा है, तो इसमें क्या ही बोले दोस्तों। एक अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता है, जब तक एकता सब एकजुट होकर काम न करे तब तक कुछ नहीं हो सकता है। बाकी अभी आज का ब्लॉग मैं जा रहा हूँ अभी कपड़े धोने, तो दिखाऊंगा धारा पर अभी पानी कितना कम हो रखा है, इतना तो उतने ही पानी में आजकल गुजारा चलाते हैं, तो कभी कभी नल पर भी आ जाता है। बाकी हर टाइम तो क्योंकि इतना बड़ा गाँव है तो हर दिन तो पानी आ नहीं सकता, क्योंकि हर गांव में हर किसी को पानी की वो करनी है, पूर्ति करनी है। तो क्या ही बोले दोस्तों, बहुत ही बहुत समस्या हो रही है गांव में। बाकी अभी चलो अब चलता हूं मैं यहां से नीचे धारा कपड़ा धोने, तो दिखाता हूं किस तरह से समस्याएं हो रही है। तो चलो गाइज चलते हैं। कभी भी एक ही इंसान कुछ नहीं कर सकता है, जब तक बोलते हैं पांच उंगलियां हमारा साथ न दे तो तब तक कुछ नहीं हो सकता है। एक अंगुली इस तरह से एक अंगुली से काम नहीं किया जाए, जब तक पांच ही अंगुली एक हाथ हमारा एकजुट होकर काम नहीं करेंगे तब तक कुछ काम नहीं हो सकता है। इसलिए एकता बनाए रखिए, तभी गांव का भला होगा। तो बाकी अभी चलते हैं यहाँ से धारा। और एक मेन बात, चश्मे मैंने इसलिए लगा रखे कि छत में इतनी भयंकर धूप हो रही है, आँखें सीधा बंद हो रही है, इसलिए मैंने ये चश्मे लगा रखे हैं। तो काफ़ी लोग मैंने देखे हैं कि चश्मे में वीडियो बनाते हैं, तो मैं बोल रहा किस तरह कैसे बनाते हैं वो चश्मे में वीडियो। तो चलो चलते हैं अब यहाँ से नीचे। तो चलो सो गाइज अभी निकल गया मैं घर से कपड़े धोने के लिए, तो बाकी मेरे साथ पल्लवी भी आ रही है, तो चलो।
तो गाइस अभी आ गया मैं धारे पे, और ऊपर धारे में तो पानी इतना कम आ रहा है कि, और बाकी आजकल जो कपड़े धोते हैं यहीं पे धोते हैं, तो यहाँ पे क्योंकि फुल पानी रहता है कुएं में, तो ये देख सकते हैं एक टाइम ना इसका बिल्कुल यूज नहीं करते थे, बीच में भूल गए थे, अब तो फिर से देख सकते हैं पानी की किल्लत के कारण, तो यहाँ फिर से पानी निकालने बैठ गए। तो किस तरह से कुआं है यहाँ आप देख सकते हैं, और यहाँ पे हमारे भाभी जी भी धो रहे हैं अभी कपड़े। आप कुछ कहना चाहते हो, आपके घर में पानी आ रहा है लगातार? इनके यहाँ तो फुल आ रहा होगा, ये पानी वाले हैं वैसे भी, तो बाकी इनके ससुर जी है जो पानी के फीतर है, तो इनके यहाँ तो फुल आ रहा है। तुम्हारे यहाँ आ रहा है पानी? हाँ। कब से नहीं आ रहा? तो बाकी ये देख सकते हैं यहीं पे, मैं भी यहीं पे धोऊंगा कपड़ा ही। तो बाकी चलो अब धोता एक बार कपड़े, मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। तो अभी भाभी जी जैसे मैंने वीडियो बंद की, भाभी ने बोला हमारे यहाँ एक महीने से नहीं आ रहा था पानी। अब वीडियो में बोल रही थी कि हमारे यहाँ में सारा पानी बाकी यहाँ पे धोते हैं कपड़े। तो चलो भाई, तो गाइस अभी आ गया मैं ऊपर वाले धारे पे, क्योंकि वहाँ पे कपड़े धोने के लिए नहीं हो रहा है, तो पानी देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल कम आ रहा है आजकल, इतना कम आ रहा है। तो बाकी यहाँ पे देख सकते हैं बच्चे भी आ रखे हैं यहाँ पे पानी के लिए अभी, हाय कर। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये है चाची जी का ड्रम पानी के लिए ला रखा है, तो चाची जी देख सकते हैं कहाँ भागे ये दोनों, सीधा नीचे भागे ये देख सकते हैं। तो बाकी वो बोल रहे हमें शर्म लग रही है, पता नहीं किस बात की शर्म। तो बाकी यहीं पर धोऊंगा मैं कपड़े, तो ये देख सकते हैं गाइस इतना कम हो गया। तो चलो गाइस एक बार कपड़े धोता हूँ, मिलता हूँ उसके बाद। तो चलो मैंने कपड़े तो धो दिए हैं, अभी आ गया मैं स्कूल में, ये पल्लवी लोगों की स्कूल। बाकी ये देख सकते हैं ये है उन मंडवे के साथ, ये देख सकते हैं कुछ यहाँ पे लग रखे खेतों में काम गुड़ाई पे चाची जी। तो ये देख सकते हैं गाइस यहाँ ना आलू भी बो रखे हैं, तो ये देख सकते हैं पूरे आलू की खेती, कुछ बहुत ज़्यादा आलू लगाते हैं इस साइड, क्योंकि यहाँ पानी ज़्यादा होता है तो इसलिए। तो आ जा, तो चलो अभी यहाँ पे आजकल पूजा भी आ रखी है, तो पूजा भी आ गई पानी के लिए, तो पूजा से पानी की समस्या पूछते थोड़ा सा। ए पूजा कब से नहीं आ रहा पानी? एक महीना हो गया। हम खाने पीने के लिए सब यहीं से ले जाते, नहाने के लिए भी इतनी कमी हो गई कि पानी का टैंकर आ रहा है हमारे गांव में, वो भी हमारे गांव में। इतने बुरे दिन आ गए गाइस, पानी तो साफ पानी। तो बाकी ये देख सकते इतने बुरे हाल हो गए हैं, तो पूजा लोगों के यहाँ तो बिल्कुल नहीं आता, वो उस साइड पर नहीं रहा वाले साइड, हमारे यहाँ कभी कभी आ ही जाता है थोड़ा बहुत, तो आ जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो बाकी ये देख सकते हैं इतने बुरे हाल हो गए ना पानी के, तो ये देख सकते हैं। बाकी हमारे ताओ ये हमारे कांचा भाई भी लग रखे हैं यहाँ पे आजकल, यहीं काम करते हैं दिन भर, इतने पैसे कमा देने उन्होंने, पूरे गाँव वालों के पैसे ले गए ये। तो ये दोनों में यहाँ भी लगे रहते हैं काम पे। तो बाकी गाइस अब चलते हैं यहाँ से, तो गाइस बाकी अब चलते हैं यहाँ से घर के, वो कपड़े भी धो रहे बड़ी मुश्किल से, और अभी नहीं आ रहे पानी के लिए, थोड़ी देर में आते हैं, भीड़ पड़ती भयंकर वाली, तो अभी सब इधर उधर जा रखे होंगे काम के लिए। बाकी अभी मैं और पूजा ही आ रखी यहाँ पे, तो पूजा भी देख सकते हैं यहाँ के पानी से पूजा भी परेशान हो गई है आजकल, बोल रही बहुत समस्या हो गई। इस गाँव में आ रहे टैंकर जो जहाँ कभी इस गाँव का पानी बाहर जाता था, आज यहाँ आ रहा है टैंकर, तो क्या ही बोले दोस्तों, पानी की बहुत बड़ी किल्लत हो गई किल्लत। तो बाकी ठीक है पूजा, मिलते हैं बाय। तो चलो अभी चलते हैं गाइस घर की ओर, तो चलो।
बाकी गाय निकल गए मैं पंजरे वाली कॉलोनी से, तो ये दादी देख सकते कितना पानी ले जा रही है, अभी एक डब्बा भी ले गई, फिर से आ गई पानी के लिए, तो ये देख सकते हैं। और ये हमारे चाची जी कहाँ जा रहे, खेत है, और आप कहाँ जा रहे, तेरा मथी मुतली जुबर यार इंजे मुदा। तो ये देख सकते हैं हमारे चाची जी, कुछ बोलना चाहोगे सर, रास्ता भी बोली, अभी खेत में जाने के लिए देर हो रही है। अच्छा ठीक है, मिलते हैं, बाय बाय बाय। तो गाइस जो मेरी बाल्टी है वो पुत ले गए थोड़ा ऊपर तक, तो हमेशा मेरी मदद करने के लिए पहुँच जाता है हमारा पुत भाई। और ये दिमाग हुई इस टाइम को इन्हें देखने को मिलेंगे, तो और हमारे आंटी जी की भी तैयारी हो गई है, कहाँ जा रहे, कहाँ जा रहे आंटी जी भी, पर कहाँ पर जा रहे, ओह पता नहीं कहाँ जा रहे आंटी जी भी। तो बाकी चलो हेलो गाइस, क्या हो रहा, क्या हो रहा, तो क्या करनी है पुत, ओ जाता हूँ, ओ ठीक बाय, ओह पुत बाय, चाप लो ना। सो गाइस बाकी अभी आ गए मैं घर पे, और यहाँ पे दुकान पे आ रखे ताऊ जी हमारे, तो ये ताऊ हाई करा, हाई बाय ताऊ जी। बाकी ताऊ जी आ रखे सामान के लिए, और चाय पी रही इस गर्मी में, देख सक रहे लंबा गिलास है। बाकी नानी आ रखी है, हाई कर इधर पे, इधर इधर हाई कर, कहाँ कहाँ खेती तो खाड़े खाट खोड़े जी। अच्छा ये खोड़ा क्या है, आज मेहमान आ रही है अपनी बुआ लोग के यहाँ, बुआ को भाई कैसा लगा हमारा गांव, अच्छा है ना, मस्त है, तो देख सकते हैं। बाकी नानी आ रखी है, तो ठीक है मैं तेरे को पेन देता, पायलट पेन देनी, ठीक है तो ना स्प्राइट और माजा, ये ठंडा आज का काफ़ी सेल हो जाता है। बाकी अभी देखा होगा, अभी आ रखे यहाँ पे अक्षित, हाई का आर्यन, क्या है आपका नाम, आर्यन, आर्यन दोनों आ रखे, तो फ्री तो उतार फ्री से निकाल। तो चलो आदित्य आया दुकान में फ्रूटी के लिए, और आदित्य भी अपने नानी के लोगों के यहाँ रखा है, और ये मेरे बहुत बड़े सब्सक्राइबर है। तो आदित्य थोड़ा इधर देखना, कुछ बोलना चाहते हो आप इधर, यहाँ पे, यहाँ पे इधर से कुछ बोलना चाहते हो आप, जिनको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके तो ये देख सकते हैं, कब जा रहे चंडीगढ़, दिल्ली, दिल्ली कब जा रहे, 25 के बाद ही जाएंगे। अच्छा तो गाइस अभी उठा मैं, दिन के बज रहे हैं 2, बाकी उसके बाद मैंने ब्लॉग नहीं बनाया और ऐसे ही बिजी था, तो अभी जा रहा मैं रूम में, राखी का कुछ सामान आ रखा बस, तो चलो मिलते हैं ऐसे का रूम में, ऐसे निश्चित आ रहे थे भयंकर नहीं आ रही थी ना मेरे को, क्या ही बोलूँ, तो चलो चलते हैं रोड में। तो ये दीन दो फ्री राखी गाइस अभी निकल गया मैं दीन दो फ्री, तो ये देख सकते हैं लोग साफ सो रखे हैं, तो मैं जा रहा हूँ। और राहुल खेल बात, तो राहुल भाई खाना खा के आगे दुकान पे, तो चलो गाइस दिन दोपहरी मसल। बाकी गाइस इसे देखो, मुझे इतनी भयंकर नींद आ रही थी, इस बैग को भी नहीं ले जा पा रही भयंकर, ये देख सकते इतनी भारी तो है नहीं, कमजोरी महसूस हो रही, इसे कमजोरी महसूस हो रही भयंकर वाले, तो मैं इतनी भयंकर नींद आ रही थी ना मेरे को। बाकी गाइस हालात ऐसे हो गए ना, इस टाइम नींद इतनी भयंकर डाल की थी, और इसने मेरे को उठा दिया, हाँ जी पता नहीं किस मंदिर में जा रखी रही होगी, पिठाई लगा रखी है आजकल, इस साल भगवान की इस पर बहुत बड़ी कृपा है, बहुत मंदिरों में जा रही है। तो गाइस बाकी मिलते हैं आप सीधा आपको बाद में, बाय 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 का। तो गाइस शाम के अभी हो गए 5 बज गए शाम के, उसके बाद मैं सो गया था फिर से घर आके, तो बाकी अभी एक गुड न्यूज है, तो देख सकते हैं काफ़ी टाइम से आज बारिश हुई है, लगभग 1-2 हफ्ते हो गए होंगे, तो देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है यार बारिश, वाह। तो पहाड़ों में भी तरस गए थे लोग बारिश के लिए, तो आज काफ़ी टाइम बाद हमारे यहाँ बारिश हुई है, तो देख सकते हैं बारिश काफ़ी तगड़ी हो गई है, तो चल देख सकते हैं गाइस इस तरह से बारिश हो गई है। बारिश गिरे, ये बारिश ना काफ़ी टाइम से हुई है, तो इसलिए बहुत ही अच्छी लग रही है, तो पहाड़ों में भी तरफ गए थे लोग बारिश के लिए,
तो बाकी आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ, तब तक ओके बाय बाय। चलो बोलते हैं जितना बड़ा है गांव उतनी बड़ी समस्या, उतनी समस्याएं रहते गांव की, तो गांव में समस्याएं तो काफी